दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सोफेफे जशन को अपने साथ रियूनियन पार्टी पर लेकर जाने के लिए मना रही होती है, लेकिन जशन जाने से इनकार कर रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें बेयोन से इतना डर लगता है। सोफेफे कहते हैं कि उसी की वजह से तुम उसे लड़कों से डर लगता है। जशन कहता है कि आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया। देखा जाता है कि कॉलेज टाइम पर बेयोन ने सोफेफे से अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन सोफेफे इसकी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार कर देती है। उसके बाद से बेयोन ने सोफेफे को तंग करना शुरू कर दिया और ये ऐसे बिहेव किया करता था जैसे ये सोफेफे का बॉयफ्रेंड और जबरदस्ती इसके करीब आया करता था। सोफेफे कहती है कि सिर्फ बेयोन की वजह से ही मैं ट्रॉमाटाइज हो गई थी और अभी भी दूसरे लड़कों से कांटेक्ट करते हुए मुझे डर लगता है। जशन कहता है कि इसी वजह से तुम्हें रियूनियन पार्टी पर नहीं जाना चाहिए। सोफेफे कहती है कि मैं अब तक बेयोन से छुपती ही आई हूँ, क्या मैं सारी जिंदगी इससे छुपती रहूंगी? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मैं क्यों छुपूं? इतने में इसका एक मैसेज आता है तो सोफेफे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो मत जाओ, कोई और मेरे साथ जा रहा है। अब सोफेफे रियूनियन पार्टी पर आ जाती है। ये मिंग को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ रह गई हो, तो मिंग कहती है कि जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी, तुम प्लीज जशन को कॉल करके बुला लो। इतने में ही बेयोन यहाँ पर आ जाता है। सोफेफे यहाँ से जाने वाले होते लेकिन इसके फ्रेंड्स कहती है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अब ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। पहली बारी सोफेफे की आती है। इसकी फ्रेंड कहती है कि जिसके पास ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड है वो सोफेफे के साथ क्रॉस ड्रिंक करेगा। दूसरा कार्ड और किसी के पास नहीं बल्कि बेयोन के पास होता है। सोफेफे कहती है कि मैं पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक कर लेती हूँ, लेकिन बेयोन इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अकेले ड्रिंक करने में कोई मजा नहीं है, तो मैं अपने क्लासमेट के साथ ड्रिंक करनी चाहिए। सोफेफे बेयोन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती। इतने में ही जशन यहाँ पर आ जाता है और ये सोफेफे का हाथ बेयोन से छुड़वा लेता है। बेयोन पूछता है कि तुम कौन हो, तो जशन कहता है कि मैं सोफेफे का बॉयफ्रेंड हूँ। जशन को यहाँ पर देखकर सोफेफे को बहुत अच्छा लगता है। ये सबके सामने कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई है। सोफेफे की फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम ये डेयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही कंप्लीट कर लो। सोफेफे जशन से कहती है कि मैं तुम्हें इस मदद के लिए एक स्पेशल बोनस देने वाली हूँ। अब सोफेफे और जशन को ये क्रॉस रिंग करनी पड़ती है। जशन देखता है कि सोफेफे को दर्द हो रही है तो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बैक में दर्द हो रही है। सोफेफे कहती है कि हाँ। जशन सबसे कहता है कि सोफेफे की तबीयत खराब है इसलिए मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जशन जब सोफेफे को यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो सोफेफे कहती है कि जब मैं जशन के साथ होती हूँ तो मेरा फेयर गायब हो जाता है। वापस घर आकर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। सोफेफे जशन से कहती है कि आज तुम्हारी एंट्री बहुत कूल थी। जशन कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। सोफेफे कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ तभी प्यार कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे पैसे मत लो। जशन कहते हैं कि अगर मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा तो फिर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही तो उठाना है। सोफेफे कहते हैं कि वाकई में ही। जशन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। सोफेफे कहते हैं कि मुझे तो लगा कि वो बात तुमने सिर्फ मेरे पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कही थी। जशन कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो सच है। सोफेफे कहते हैं कि ठीक है, अब से मैं तुमसे किसी बात को लेकर बहस नहीं किया करूंगी। जशन इससे कहते हैं कि मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों को नई कंडीशंस के मुताबिक एक साथ रहना होगा। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो तुम साइन कर दो। सोफेफे कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद जशन से कहती है कि तुम मेरे सपने में दोबारा क्यों आ गए हो। ये कहकर सोफेफे जशन को किस करती है। सोफेफे इस तरह से देखकर जशन बहुत हैरान दिखाई दे रहा होता है। अगले सुबह सोफेफे की सब आंख खुलती है तो ये अपने साथ जशन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और फौरन से साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है और जशन से पूछने लगती है कि ये सब क्या है। तो जशन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं हुआ। सोफेफे कहती है कि फिर तुम्हारी शर्ट कहाँ पर है। जशन कहता है कि तुमने मेरी शर्ट पर वॉमिट कर दी थी। सोफेफे कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब देखा जाता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। जशन जब सोफेफे को उसके रूम में लेकर आता है तो सोफेफे जशन को छोड़ ही नहीं रही होती। जशन बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। तो ये सोफेफे से कहता है कि ड्रिंक करने के बाद क्या तुम ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। इसी कोशिश में जशन को भी नींद आ जाती है इसलिए यहीं पर सो जाता है। सोफेफे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। जशन कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। इतने में बेल बजने लगती है तो सोफेफे जशन से कहती है कि तुम जल्दी से चेंज कर लो। अब सोफेफे सब दरवाजा खोलती है तो मिंग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई होती है। मिंग अंदर आने के बाद सोफेफे को उससे देख कर कहने लगती है कि क्या कल रात कुछ हुआ था। तो सोफेफे कहती है कि तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। सोफेफे इससे पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने सारे सामान के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। मिंग कहती है कि मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर सोफेफे बहुत हैरान होती है। मिंग कहती है कि ये लिन है, मेरा बॉयफ्रेंड। मिंग अब रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने दो। सोफेफे कहती है कि मैं तुम्हें तो अपने साथ रख सकती हूँ लेकिन तुम लिन को अपने साथ लेकर क्यों आ गई हो। मिंग कहती है कि इसकी सिचुएशन
भी मुश्किल है, इसके पास ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब लिन भी यहाँ पर आकर चुपे फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दे दो, हम तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। इनके रिक्वेस्ट करने पर चुपे फिर मान जाती है, लेकिन ये इनसे कहती है कि कोशिश करना कि मेरे पेरेंट्स को इस बारे में मालूम ना हो। चुपे फिर कहती है कि मिंग तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी, और लिन से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रुकोगे। अब चेशुन जब रूम से बाहर आता है तो ये लिन को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। ये दोनों पहले एक दूसरे को जानते होते हैं। चुपे फिर कहती है कि क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। चेशुन कहता है कि हाँ हम दोनों क्लासमेट्स हैं। लेकिन इन दोनों को देखकर चुपे फिर समझ आती है कि ये दोनों दोस्त नहीं है। लिन सबको बताने लगता है कि चेशुन कॉलेज के टाइम से ही छोटे मोटे रोल्स कर रहा है, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बना पाया। इसके बारे में यही कहा जाता है कि लकी नहीं है, अगर ये एक्टर बन भी गया तो बहुत मशहूर नहीं हो पाएगा। चेशुन कहते कि फिर भी मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। चुपे फिर अब इन दोनों को देख कर कहती है कि हम सब लोग दोस्त हैं और हम लोग फ्यूचर में इकट्ठे रहने वाले हैं, इससे तुम दोनों बहस करना बंद कर दो। मिंगी लिन से कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारी लुक्स खराब होती हैं। तो लिन कहते है कि ठीक है। अब चेशुन मिंग के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने चुपे फिर को लिन के बैकग्राउंड के बारे में क्यों नहीं बताया। मिंग कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं चुपे फिर को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन तुम इस बारे में चुपे फिर से कुछ मत कहना। चेशुन कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तो मिंग कहती है कि तुम चुपे फिर के फेक बॉयफ्रेंड हो, इससे तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेरे और मेरे दोस्त के बीच आने का, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम चुपे फिर से थोड़ा दूर रहो। ये कहकर मिंग चली जाती है तो चेशुन कहता है कि मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।